माननीय मंत्री महोदय का स्वागत कर रही हैं हमारी अपर मुख्य सचिव कला संस्कृति विभाग श्रीमती हरजोत कौर मैम। बहुत ही शुभ क्षण, शुभ घड़ी। और अब हमारी अपर मुख्य सचिव महोदया, तेरी उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, दीप ज्योति नमस्तुते। दीप प्रज्वलन के साथ दो दिवसीय आयोजन हरिहर क्षेत्र महोत्सव कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार द्वारा ये विशेष आयोजन, इस आयोजन का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। मंचासीन सभी माननीय गणमान्य अतिथियों के कर कमलों द्वारा आग्रह करूंगी कला संस्कृति विभाग की इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। बहुत बहुत अब धन्यवाद और जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज हरिहर क्षेत्र महोत्सव 2023 के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री बड़े भाई श्री आलोक कुमार मेहता जी, मंच पर उपस्थित कला संस्कृति युवा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमती हरजोत कौर जी, कला संस्कृति युवा विभाग की निदेशक श्रीमती रूबी कुमारी जी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका सिंह जी और सारण जिला के उप विकास आयुक्त श्री प्रियंका कुमारी जी, मधुबनी चित्रकला संस्था के निदेशक वीरेंद्र प्रसाद जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण और मेला में आए हुए और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगण, सभी लोग का मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कई सालों से हरिहर क्षेत्र महोत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम इस मेला में होता है और तमाम जो हमारे बिहार के कलाकार हैं उनको इसमें मौका मिलता है और अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक अवसर प्राप्त होता है। कला संस्कृति युवा विभाग तमाम जो बिहार के कलाकार हैं वो कैसे आगे बढ़े इस पर काम कर रही है और आने वाले दिन में हम लोग कई जिलों में विद्यालय खोलने जा रहे हैं जिसमें संगीत की और जो पढ़ाई हो और लोगों को सीखने का मौका मिले, इन सब चीज़ों पर काम चल रहा है। साथ ही साथ तमाम इस मेला में जो हर विभाग के स्टॉल लगे हैं उसको देखकर हमारे जो मेला में जो हर साल करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। और हम तो जिला प्रशासन को धन्यवाद देंगे कि लगभग 1 महीने तक यहाँ पर कैंप करके आप लोग इस मेला को एक दिशा देने का काम करते हैं और आप लोग के मेहनत के बदौलत ही प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला का आयोजन होता है, इसलिए आप लोग का विशेष भूमिका उसमें रहता है। और मेला में विकास कैसे हो इस पर तो लगातार काम चल रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी उद्घाटन के अवसर पर आए थे तो उन्हें कई योजना और कई बात इस मंच से उन्होंने घोषणा करने का काम किया तो उन सब चीज़ों पर काम होगा। और आज हरिहर महोत्सव के उद्घाटन है और सभी लोग आप लोग इसमें अपना बहुमूल्य समय दिए, आप सभी लोग को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।